हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है फिजियोथेरेपी किट। फिजियोथेरेपी किट कैसे बनाया जाए, एक जो बिगनर्स हैं फिजियोथेरेपी का क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यह टॉपिक्स है। तो देखिए, ऐसे तो एक छोटे स्केल से लेकर के बहुत बड़ा रेंज है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और काफ़ी बड़ा सेटअप भी हो सकता है फिजियो का। तो मैं एक बार सारे चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि छोटे लेवल में कैसे करेंगे आप, बड़े लेवल में कैसे करेंगे। अगर छोटा कम बजट में स्टार्ट कर रहे हो छोटा, तो अच्छे अच्छे मटेरियल के साथ स्टार्ट करें, भले थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे वो अलग बात है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें रखनी है तो आप मिक्स में कई चीज़ें रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें क्या क्या है फिजियोथेरेपी की, इन सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, होना चाहिए आपके पास एनाटॉमी का चार्ट, जो कि क्लिनिक में थोड़ा आते ही लगना चाहिए लुक वाइज कि हाँ क्लिनिक है। तो एनाटॉमी के चार्ट आते हैं, कुछ मसल्स के चार्ट आते हैं जिसमें मसल्स के नाम लिखे हुए हैं और बोन के नाम हैं, तो ये चार्ट होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपका खुद का एक विजिटिंग कार्ड हो जिसपे पीछे आपके बारे में डिटेल सारा लिखा हो, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, फैसिलिटी है ना, तो ये सारी चीज़ें। और आपका एक प्रिस्क्रिप्शन कार्ड होना चाहिए जिसपे कि चार फोटो भी बने होने चाहिए, जैसे कि एक पोस्टीरियर व्यू हो गया, एक इंटीरियर व्यू, एक लैटरल व्यू है ना। तो इस तरह से राइट लैटरल और लेफ्ट, चार तरह से एंगल अलग अलग बना हो जिसपे आप पेन को डिनोट कर पाएँ कि कौन सी मसल्स में दर्द है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस पर आप पेंसिल से या जस्ट पेन से मार्कर से आप पेशेंट का एग्जामिन करके वहाँ पे जस्ट मार्क कर लें और पेन का एरिया, मसल्स का नाम वहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंसल्टेशन। उस पर सारा जो भी है सीक्वेंस वाइज आपको फिल करना है कंसल्टेशन फॉर्म में कि क्या क्या है, मेडिकल हिस्ट्री कैसे लेते हैं, आप लोगों को उसे दिया भी गया है कंसल्टेशन फॉर्म, तो उस पर सारी चीज़ें वैसे तो प्रिंट की गई हैं सब कुछ, पेशेंट का हर डिटेल उसमें आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। अगला नेक्स्ट चीज़ होता है टेंस मशीन। टेंस जो है ये भी आपको ट्रीटमेंट का एक फिजियोथेरेपी का बहुत अहम हिस्सा निभाता है ट्रीटमेंट का, तो टेंस भी आपके पास। अब टेंस में देखिए, बड़ा टेंस भी ले सकते हैं और दो चैनल के भी, तीन चैनल के भी टेंस आते हैं। तो कई बार कॉम्बो में आजकल मशीनें आ रही हैं, जैसे टेंस IFT प्लस अल्ट्रासाउंड। तो वैसे तो कॉम्बो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन रिजिड के हिसाब से कॉम्बो अच्छा भी है। तो आप देख सकते हैं, अगर बड़ा सेटअप है इंडिविजुअल, तो आप इंडिविजुअल रखेंगे तो अच्छा है टेंस वैसे तो, लेकिन कॉम्बो में भी ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में कॉम्बो में यूज कर सकते हैं। तो टेंस एक मशीन हो गई जो कि आप नर्व से पेन है, मस्कुलर पेन है, उसमें आप अप्लाई करेंगे। IFT भी होनी चाहिए, IFT भी फिजियोथेरेपी की जान है, तो कहीं ना कहीं IFT भी चाहिए। जो बड़ी मसल्स हैं, लार्ज मसल्स हैं, बड़े मसल्स हैं, उस पर IFT भी लगाना होगा। तो चाहे तो आप कॉम्बो में टेंस IFT अल्ट्रासाउंड लें, चाहे तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। तो IFT मशीन भी आपके पास एक होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छा है, जिससे कि डीप हीट पेनिट्रेट होती है, साउंड अंदर जाती है, जिससे कि स्वेलिंग के लिए काफ़ी कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। तो आपके पास एक अल्ट्रासाउंड भी होना चाहिए। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, बट ठीक है, अगर आपको कम बजट में स्टार्ट करना है तो पोर्टेबल भी ठीक है, या इंडिविजुअल अल्ट्रासाउंड लेंगे तो और अच्छी बात है। अगर कम सेटअप पर स्टार्ट करें तो अच्छा क्वालिटी का अल्ट्रासाउंड लें, डिजिटल वाला और अच्छी क्वालिटी हो। और लेज़र, अब एक लेज़र भी आप रख सकते हैं। लेज़र वैसे तो मिनिमम कॉस्ट है 10-12,000 से, मेरे हिसाब से लेज़र स्टार्ट है तो, लेकिन एक लेज़र पेन भी आता है, जिनका कम बजट है वो लेज़र पेन रख लें, वो 3-4 हज़ार तक का लेज़र पेन आ जाता है। अदरवाइज नहीं तो लेज़र मशीन भी रख सकते हैं, जो कि मुझे लगता है 12 से लेकर 20 हज़ार तक के बीच में होगा। तो डायोड लेज़र जो फिजियोथेरेपी में यूज होता है, लेज़र भी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, तो ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अगला हमारा हो गया हीटिंग मोडलिटीज़। हीटिंग में जैसे कि देखिए, इंफ्रारेड हो गया, यूवी लैंप हो गया, और हीटिंग पैड आते हैं। तो हीटिंग पैड भी आप इनिशियल स्टेज पे यूज कर सकते हो, या जैसे कि TDP लैंप आता है, ये भी आप सेंटर पे TDP लैंप भी रख सकते हैं, या हीटिंग पैड रख सकते हैं, या हाइड्रोकोलेक्टर पैड भी आते हैं, ये भी थोड़े कॉस्टली हैं, तो हाइड्रोकोलेक्टर पैड भी आप रख सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा डीप हीट प्रोवाइड करता है। तो हाइड्रोकोलेक्टर पैड भी आप यूज कर सकते हैं, या इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, TDP लैंप यूज कर सकते हैं, हीटिंग पैड, हीटिंग बैग यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के है। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। आपको हैंड पुल्ली, जो हाथ की एक्सरसाइज के लिए मशीन होती है छोटी सी, तो हैंड पुल्ली भी, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है, तो ये भी हैंड पुल्ली रखेंगे। अगर हैंड पुल्ली से भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा एक रोप आता है, जो कि रोप एक्सरसाइज होता है, तो वो भी अपने आप लगा सकते हैं अपने सेटअप पे, तो ईजी, ताकि हैंड की जो भी एक्सरसाइज है वो कर सके।
तो ये हो गया है चाहे तो, और एक मसाजर भी रखें जैसे कि डॉल्फिन मसाजर हो गया या मैजिक मसाजर हो गया, दो चार वैरायटी के मसाजर भी हों। कई बार तुरंत कहीं किसी स्पॉट पे आप उससे रिलीज कर सकते हैं पेन को, तो एक मसाजर भी आपके पास एक दो क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, लेकिन मसाजर रहे। जो सलून वगैरह में होते हैं इस तरह के मसाजर ना रखें आप, अच्छी क्वालिटी का मसाजर रखें जो कि लगे कि हाँ थोड़ा भले कॉस्टली, मुझे लगता है कि 2,000 से 2,500 तक या है ना 1,500 से स्टार्टिंग होगा और 3,000 से 4,000 तक अच्छी क्वालिटी के मसाजर आपको मिल जाएंगे। इन्हीं के साथ एक स्टीमर भी रखना होगा आपको छोटा सा। कई बार हम जब पेशेंट को कोई एक्सरसाइज करानी है उससे पहले अगर हम स्टीम देकर के एक्सरसाइज कराएं ना तो मसल्स रिलीज हो जाती हैं और कंपेयर बहुत ही अच्छे से फिर एक्सरसाइज करता है, तो मेरा पर्सनल अनुभव है। तो एक छोटा सा स्टीमर भी आता है अच्छी क्वालिटी का, 1,000 रुपये तक वो भी आ जाएगा, 700 से लेकर के 1,500 तक के बीच का स्टीमर आ जाएगा। वैसे स्टीमर भी बहुत महंगे महंगे हैं, तो आप मीडियम साइज़ का एक रख सकते हैं। इसी के साथ SWD मशीन है, लेकिन ये कॉस्टली मशीन है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसके लिए स्पेस भी चाहिए। और ट्रैक्शन मशीन भी आपके पास होना चाहिए। तो एक तो आता है गर्दन और नेक लंबर ट्रैक्शन जो कि बेड का है, बेड का भी ट्रैक्शन आप लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अलग से वैसे आता है केवल ट्रैक्शन और टेबल आपको अरेंज करना पड़ता है। तो सेट खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है वैसे तो, लेकिन वो अलग अलग वाला भी ले सकते हैं कम बजट है तो। दूसरा एक नेक ट्रैक्शन मैनुअल आता है जो कि छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट, वो कहीं पे भी आप ले जा भी सकते हैं, इजी यूज है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो सस्ता भी है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो और कुछ निडल भी रखेंगे आप, कई बार ड्राई निडलिंग यूज करेंगे जिससे मसल्स को रिलैक्स करने के लिए या ट्रिगर पॉइंट को रिलैक्सेशन के लिए, तो उसके लिए कुछ हमारे पास अलग अलग साइजों में है, जैसे कि 1 कन से स्टार्ट होता है, 1 इंच से 2 इंच, 4 इंच, 7-8 इंच तक भी निडल अवेलेबल हैं, तो कुछ आपके सेटअप पे निडल्स भी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कॉटन रखें, स्प्रिट रखें है ना, और सेवलॉन रखें, सेवलॉन भी कई बार हम यूज करते हैं, और एंटीसेप्टिक एक आध दो क्रीमें रखें, थर्मोफोब रखें, कई बार कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो गया है तो थर्मोफोब लगा सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स टोटली आपके क्लिनिक में एक होना चाहिए, कभी इमरजेंसी के लिए किसी को कुछ तो अपने हिसाब से एक डिज़ाइन करके फर्स्ट एड बॉक्स भी क्लिनिक में रख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बड़ा सा एक्सटेंशन रखें, कई बार कुछ मशीनों के वायर जो हैं बड़े छोटे आते हैं, तो आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड अच्छी क्वालिटी वाला जो जल उल जाए ऐसा नहीं, अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो मुझे लगता है 400-500 रुपये का अच्छा एकदम क्वालिटी का आ जाएगा एक्सटेंशन बोर्ड। तो एक अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड रखें, सस्ते वाले 100-200 रुपए के भी आते हैं लेकिन वो जलने के डर रहते हैं कि कोई कई कोई मशीन का पावर ज्यादा है कम है, तो इस तरह से आप एक अच्छी क्वालिटी का एक्सटेंशन बोर्ड भी रखें। साथ में आपके पास एक बेड होना चाहिए और बेड कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप उसके चारों तरफ घूम सको एक्सरसाइज कराते समय। एक टेबल होनी चाहिए, एक आपके लिए एक चेयर होनी चाहिए, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कई बार बीपी भी आपको पेशेंट का चेक करना है, एक ऑक्सीमीटर ले सकते हैं कि ऑक्सीजन चेक करने के लिए मरीज का, और एक वजन मशीन वेट करने के लिए, तो ये भी एक मॉडलिटीज़ है तो आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ एक स्केल हाइट चेक करने वाला आता है, तो एक स्केल वो भी सस्ता ही आता है, तो एक वो भी, या नहीं आपके पास तो वो चिपका भी सकते हैं, आजकल चिपकाने वाला आता भी है, या अलग से स्केल मीटर आता है तो आप एक स्केल मीटर भी रखेंगे, ठीक है। और एक लीडर आता है जो कि दीवार पे चिपक जाता है, जिससे कि आप फ्रोजन शोल्डर में हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, तो लीडर एक्सरसाइज, तो ये भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहें तो डंबल्स वगैरह भी आते हैं, कई बार वेट काफ भी आते हैं, वेट काफ दे सकते हैं कि जो कि पहना के फिर एक्सरसाइज कराते हैं, खास करके पैरालिसिस वगैरह में, मसल्स वीकनेस में जहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो वेट काफ का भी यूज करेंगे, इसका भी काफ़ी अच्छा रोल मैंने देखा है कि, तो वेट काफ भी रख सकते हैं, 0.5 किलो से स्टार्ट होता है और अलग अलग वेट में मिलता है, तो वो भी आप अपने सेटअप पे रख सकते हैं। आपके पास डिस्पोजेबल बेड सीट भी रखनी चाहिए, जो आपका है उस पर तो पिलो होना चाहिए, 2-3 टावल होनी चाहिए, कई बार स्टीम देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो 2-3 छोटे छोटे नैपकिन हाथ पोछने के लिए, और 2-3 टावल होने चाहिए ताकि आप चेंज करो, 1-2 बेड सीट होने चाहिए जो कि आप हफ्ते में चेंज करेंगे, या डिस्पोजेबल है तो हर पेशेंट पे चेंज करें, और अच्छी बात है डिस्पोजेबल 5-7 रुपए का एक पड़ता है, पूरा बंडल मिलता है, तो डिस्पोजेबल बेड सीट रखें तो पेशेंट को और भी अच्छा लगता है, आप आए और नया निकाल दिए उसके सामने तो एक अच्छा लगता है कि वाकई में है ना। तो सैनिटाइजर वगैरह भी रखें क्लिनिक को, एक अरोमा फ्रेशनर लगा दें कुछ ऐसा जिसमें कि एक अच्छी खुशबू आपके क्लिनिक में बनी रहे, और बोर्ड वगैरह प्रॉपर हो जगह जगह जहाँ पर भी हैं, और एक्सरे की मशीन भी रख सकते हैं अगर आपको लगे, अदरवाइज वैसे तो वैसे भी देख सकते हैं, बट आप वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 2,000 से लेकर के 3,000 तक का वो भी आ जाएगा अच्छी क्वालिटी में, तो आप एक एक्सरे मशीन जो देखने वाली आती है तो वो भी आप रख सकते हैं, उससे भी थोड़ा अच्छा लुक आएगा,
है ना। और एक दो चाहिए तो कुछ चार्ट वगैरह लगाइए, जैसे अलग अलग कौन कौन सी थेरेपियाँ और लेबल्स हैं उनका एक चार्ट हो आपके क्लिनिक में प्रॉपर, है ना। आपका कंसल्टेशन फॉर्म हो, विजिटिंग कार्ड हो, सब बताया प्रॉपर, एक अच्छा सा बाहर आपका बोर्ड लगा हो जिसपे कि आपका नाम मेंशन हो और आपकी चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें मेंशन हो, और इन्हीं के साथ साथ कुछ चित्र भी उस पर हों, इमेज हो। तो आजकल इमेज से भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं लोग, है ना। तो कुछ इमेज हो आपका, जहाँ क्लिनिक हो जो भी है, कुछ आपके सर्टिफिकेट लगे होने चाहिए, और कुछ हेल्थ टिप्स के जो चार्ट आते हैं डाइट में, कौन सी बीमारी में क्या खाएं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हों जो कैल्शियम की डिफिशेंसी से क्या, कौन सा सोर्स है नेचुरल, तो जो रिसेप्शन एरिया वहाँ पे स्टिक किया हो ताकि लोग देखें जब बैठे हैं अटेंडेंस, तो उनको भी लगे कि अच्छा ये चीज़ में ही खाना चाहिए। हाइट वेट का तो मैंने बताया, ये भी लगा होना चाहिए। पिलो होने चाहिए आपके पास, दो तीन कई बार पिलो से हम एक्सरसाइज कराते हैं, राउंड वाले पिलो होने चाहिए, गोल वाला है ना, वो भी एक दो रहने चाहिए, कई बार हम उसको रख करके भी एक्सरसाइज कराते हैं उसको दे करके, तो ये भी होना चाहिए। और एक जो छोटे छोटे टेबल भी होने चाहिए ताकि कई बार हम टेबल पे बैठा के भी एक्सरसाइज कराते हैं, है ना। तो यह कुछ लिस्ट रही आपके लिए, होप्स हो कि आपको ये लिस्ट अच्छी लगे होगी, है ना। फिर भी होप्स हो कि बिगनर्स के लिए यह बहुत ही एक अच्छा मार्गदर्शन होगा, एक गाइडेंस मिलेगा, है ना। तो जिससे कि आप, आपके थोड़ी प्रॉब्लम में सॉल्व करने में हेल्प शायद हो जाए आपकी, कि एक जनरल एक आइडिया आ जाए आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं अपने बजट के हिसाब से। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा लगा दो आप, नहीं, धीरे धीरे एक टारगेट लेके चलो कि मुझे 3 महीने में एक मशीन खरीदनी है, अपना हमेशा टारगेट। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने तो उल्टा कर दिया, पहले एक साथ बहुत पैसा खर्चा करके फिर मुझे समझ में आया नहीं ऐसा नहीं, फिर लॉस ही हो गया मेरा। फिर बाद में मैंने स्टार्ट किया सेटअप, तो ये दिमाग, ये देखो अनुभव से आता है, एक्सपीरियंस से, नए में एक्सपीरियंस नहीं रहता है, बहुत VIP जगह आप सेंटर डाल दिए, मैनेजिंग नहीं आता, सीखना पड़ता है सारी चीज़ें, कि एक डॉक्टर को मैनेजमेंट भी सीखना होता है कि कैसे फ्लो अच्छा बना रहे, कैसे क्या क्या चीज़ें ऐड करें, कैसे सेंटर चलाया जाए, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपीरियंस से आती हैं, अनुभव से आती हैं। तो आपको भी शायद नए नए में काफ़ी सारे फेस करने पड़ेंगी प्रॉब्लम, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वह बेटर होती जाएंगी, है ना। तो होप्स हो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी, और अपने क्लिनिक पे आप ये सारी चीज़ें करें और मुझे बताएं आपको ये कैसा लगा अनुभव, कैसा लगा हमारा जो ये बताने का तरीका। कुछ क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं है तो भी चलेगा, एक छोटे से एरिया से भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा वैसे वैसे बेड बढ़ा सकते हो आप, मिनिमम एक बेड से भी क्लिनिक शुरू कर सकते हो, है ना। एक बेड हो, एक कंसल्टेशन चेयर हो, एक टेबल हो, दो कुर्सियां हो, दो तीन छोटा सा स्पेस और हो जहां पे आप फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप स्टार्ट करें, होप्स हो कि आपकी क्लिनिक बहुत ही धीरे धीरे करके ग्रोथ होती जाएगी। मेरी सभी के साथ मेरा ब्लेसिंग है, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ, आप बहुत ही अच्छा सेटअप बनाओ और फ्यूचर में आपका अच्छा नाम हो, लोग आप लोगों को दुख दर्द को दूर करने में अपना हेल्प कर सको, क्योंकि ईश्वर कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, है ना, सबका, सबके अंदर एक भगवान है, यह मान करके हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, जरूर रिजल्ट आएंगे। अपनी कोशिश हमें हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट को करनी चाहिए, और साथ में तन, अच्छे से तन मन से इलाज करना चाहिए, पूरा पूरा मन लगा देना चाहिए, तो ज़रूर रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आप भी इस चीज़ों को फॉलो करें, बहुत होप्स हो कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। समय समय के हिसाब से स्टडी भी करना चाहिए आपको, यूट्यूब है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से नॉलेज मिले, लेना चाहिए। तमाम काफ़ी अलग अलग तरह के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, उससे भी आप कनेक्ट होइए, जहाँ पे भी हो रहा है फिजियो से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, उससे भी आपका नॉलेज में इजाफा होगा, नॉलेज की बढ़ोतरी होगी। हमारे एसोसिएशन से भी जुड़िए, कुछ नॉमिनल चार्ज है हमारे एसोसिएशन का, उससे जुड़ करके आप रजिस्ट्रेशन करा के एक मेंबरशिप कार्ड ले सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, तो आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, जिसमें कभी कुछ है कॉन्फ्रेंस है तो आपको इनवाइट किया जाएगा, और समय समय पर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट से। तो आप सभी हमारा भी एक फैमिली बन सकते हैं, एक परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे एसोसिएशन के आप मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुभकामनाएं, आप सभी फ्यूचर में आपका बहुत ही अच्छा नाम हो, आपका सेटअप बहुत ही अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सभी का आभार।